Start Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. And this scene opens in Venice, a street. And in the beginning of the scene, you will find Antonio, Slarino, and Slano in a lively mood. And Antonio in a lively conversation. And Antonio, you will find in the beginning that he is in a melancholy or in a gloomy mood. And Slarino and Slano is trying to console him or trying to make little bit comfortable to Antonio. So we will begin with the speech of Antonio. In sooth, I know not why I am so sad. It worries me, you say it worries you. Truly, in sooth means truly, I don't know why I am so sad. It worries me, I have got tired. You say it worries you, means from being sad, I have got tired. And you say that by seeing me in a sad mood, you also got tired. But how I caught it, found it, came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. But how I picked up this sadness, how I found this type of sadness, how I involved in this type of sadness, what nature this sadness is, whereof it is born, I am to learn. Means I don't know. तो यहाँ पे एंटोनियो को आकर आप देखें तो एंटोनियो एक सैड मूड में और वो कह रहा है सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्यों मैं उदास हूं और मैं इस उदासी से परेशानी से थक गया हूं और आप लोग कह रहे हैं कि इस मुझे परेशान देखकर आप लोग भी थक गए परेशान हो गए बट ये सैडनेस मैंने कैसे पा ली है किस नेचर की है कैसे मैं सैडनेस में इन्वॉल्व हो गया हूं मुझे नहीं पता And such a morbid sadness makes of me that I am much ado to know myself. And such a sadness, such a morbid sadness, such a dull, feverish type of sadness makes me such a dull person that I can't recognize my real identity. मैं अपनी real identity नहीं पहचान पा रहा हूँ कि what nature, what type of real Antonio, real personality of Antonio is. कि मैं अपने आप को पहचानने में मुश्किल महसूस कर रहा हूं अपनी आइडेंटिटी को तो एट दैट स्लारिनो रिप्लाइड योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन सो एंटोनियो इज अ मर्चेंट ऑफ वेनिस ही हैज मेनी बिजनेस स्पैटर्ड अब्रॉड फैले हुए हैं इधर उधर और उसका मेन बिजनेस जो है वो मर्चेंट शिप के हैं मर्चेंट शिप उसकी है जिसमें वो सामान गुड्स को रखवा के इधर उधर सेल करता है जिससे वो प्रॉफिट कमाता है तो स्लैरिनो यहाँ पे यही रीजन दे रहा है कि योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन देयर वेयर योर एग्रेसिव विद पोर्टल सेल सो योर माइंड इज इन्वॉल्व आपका दिमाग लगा हुआ है कहाँ पे समुद्र में जहां पे आपकी बड़ी बड़ी मर्चेंट शिप रिच सेल पे निकली हुई है लाइक सीनियर एंड लेट रिच बंगलर्स ऑन द फ्लोर और वो ऐसी है जैसे कि वेल्दी और रिच सिटीजन होते हैं अमीर लोग होते हैं जैसे कि सड़क पे निकलते हैं गरीबों की तरफ देखते हैं तो उसी तरीके से आपकी रिच मर्चेंट शिप है समुद्री यात्रा पे निकली हुई है और जैसे कि वो मैग्नेट्स ऑफ द सी है जैसे कि कोई एग्जीबिशन है समुद्र में और टू ओवरपियर द पिटी ट्रैफिकर्स और जो छोटी छोटी बोट्स है पिटी ट्रैफिकर्स है जब वो उनको देखती है तो दैट कर्टसी टू देम टू देम रिमेंस तो ऐसा लगता है जब एंटोनियो की शिप वहां से गुजरती है तो पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है लहर तेज हो जाती है जिसकी वजह से वो छोटी जो बोट है पिटी ट्रैफिकर्स जो है छोटी छोटी जो रो बोट्स है वो अप डाउन होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो उनको झुक कर सल्यूट कर रही है कर्टसी पेश कर रही है इज्जत दे रही है कि आप हमारे लॉर्ड ऑफ द सी हैं आप यहां से गुजर जाइए तो इस तरीके की एंटोनियो की बड़ी मर्चेंट शिप है दैट कर्टसी टू देम डू देम रिमेंस एज दे फ्लाई बाय देम विद देयर वुडन विंग्स एज दे फ्लाई बाय देम एज दे मूव फ्रॉम देम विद देयर वुडन विंग्स At that, Slarino also replied, Believe me, sir, had I such venture for, if I had also such type of a business. इस पे Slarino replied करता है कि मेरा यकीन कीजिए अगर मेरे पास भी इस तरीके के कारोबार होते the better part of my affection would be with my whole support. तो सबसे पहला जो मेरा ख्याल है जो सबसे पहली मेरी सोच है वो कहाँ पर होती abroad में होती And I shall be still, और इस वक्त भी मैं खास नोचता रहता प्लग इन द ग्रास टू नो वेयर सिट द वे हवा का डायरेक्शन चेक करने के लिए कि हवा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है
पेयरिंग मैप फॉर पोर्ट्स इन पियर्स एंड रूम, और मैप में झांकता रहता, मैप को मैं पियर करता रहता, मैप को मैं ग्लांस करता रहता, देखता रहता जानने के लिए कि कौन सा नियरेस्ट पोर्ट्स है, कौन से पियर्स है जहाँ पे मुझे रुकना है, कौन सी रोड्स है जहाँ पे, कौन सा नियरेस्ट हार्बर है जहाँ पे मुझे अपनी बोट को रोकना है, शिप को रोकना है, और हर एक ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर, और हर एक ऑब्जेक्ट जिससे मुझे जरा भी डर होता, मिसफॉर्चून टू माय वेंचर, कि वो मेरी मर्चेंट शिप को नुकसान पहुंचा सकती है, आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड। तो मैं ये बात कह सकता हूँ विदाउट एनी डाउट कि दैट थॉट वुड ऑल्सो मेक मी सैड। तो यहाँ पे स्लैनियो और स्लैनियो की बात करें, दोनों क्या बात कह रहे हैं, दोनों यही बात कह रहे हैं कि हमको लगता है आप उदास हो किसकी वजह से, अपनी मर्चेंट शिप की वजह से। और स्लैनियो यहाँ पे कह रहा है अगर मेरे पास भी इस तरीके की मर्चेंट शिप होती तो मेरा सबसे पहले जो ख्याल होता वो अपनी मर्चेंट शिप के बारे में लगा रहता, जब जहां जहां वो जाती, मैं इस वक्त भी इन्वॉल्व होता घास मूंछ के डायरेक्शन देखने के लिए कि हवा का डायरेक्शन क्या है, कौन सा नियरेस्ट पोर्ट्स है, हार्बर्स है, कौन से रोड्स है जिससे मेरी शिप को गुजरना है, कहाँ पे रुकना है, ये सारी चीजों में मैं हर वक्त इन्वॉल्व रहता। और अगर कोई भी ऐसी बात होती जिससे मुझे लगता कि मिसफॉर्च्यून कुछ नुकसान पहुंच सकता है मेरी मर्चेंट शिप को, तो बिना डाउट ही मैं कह सकता हूँ उस सारे थॉट से मैं भी उदास हो जाता। स्लैगिंग हो यहाँ पे और रिप्लाइड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों को, माइंड बी कूलिंग माई ब्रॉथ, ब्रॉथ मीन्स होता है सूप, मेरी फूक, विंड मतलब मेरी जो फूक है ठंडी करती हुई मेरे सूप को, वुड ब्लो मी टू एन एग्यू, वो मुझे क्या कर देती है, एक फीवरिश तक थॉट ले आती है, कप कपाने वाला, व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू, कि कितना ज्यादा समुद्री हवाएं तूफान मेरी शिप को पहुंचा सकते हैं समुद्र में जब वो निकली है सेल पर, आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास सन बट आई शुड थिंक ऑफ शैलो एंड ऑफ फ्लैट्स एंड सी माई वैल्यू एंड डू डर्ड इन सन, मैं शैलो और फ्लैट्स में सैंडी आर ग्लास सन को नहीं देखता। जो टाइम होता था पहले कि आपकी वॉच जो होती थी वो सैंड से बनी होती थी, उसमें बालू गिरता रहता था और वन आवर कंप्लीट हो जाता था, सारे बालू सैंड सारे पूरे गिर जाते थे, तो जो वॉच थी उसको वो कहता है मैं उसको नहीं देखता, क्योंकि जब मैं उसको देखता हूं तो फौरन मुझे ख्याल इसका आता है अपनी जो समुद्र में शैलो और फ्लैट्स है, सी बैंक्स है, जो सैंड बैंक्स हैं जहाँ पे रेत होती है और शिप जाके किनारे पे फंस जाती है, तो मैं उसको देखता हूँ, सैंड बैंक्स को देखता हूँ, मुझे फौरन ऐसा लगता है जैसे मैं सैंड बैंक्स को देख रहा हूँ उसको देख के, और देखता क्या हूँ कि मेरी जो वेल्टी एंड्रू है, एंड्रू स्लैगनो की शिप का नाम है, स्लैगनो के पास एक मर्चेंट शिप है जिसका नाम है एंड्रू, तो एंड्रू मेरी शिप जो को देखता हूँ मैं, एहसास मुझे होता है जैसे कि मेरी जो शिप है वो फंस चुकी है इसी सैंड बैंक्स में और धीरे धीरे वो दफन होती जा रही है इसी सैंड बैंक्स में, और वो अपने परिवार को किस कर ले रही है और वो पूरी अंदर धस जा रही है, वेलिंग हर आई डॉट्स लोअर देन हर रिस्ट टू किस हर परवे, शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफ ऑफ स्टोन, अब मैं चर्च में जाऊं और होली स्टेचू देखूं किसका, स्टोन से बना हुआ एक होली स्टेचू, एक मूर्ति देखूं स्टोन से बनी हुई, एंड नॉट बी थिंक स्ट्रेट ऑफ डेंजरस रॉक, और फौरन के फौरन मुझे ख्याल आ जाता है किसका, खतरनाक रॉक का, Which touching but my gentle vessel aside, जो कि कुछ नहीं बस हल्के से मेरी मर्चेंट शिप को साइड से टच कर देगी, इंच के ब्रॉक की बात हो रही है जो कि आपके समुद्र में होते हैं और ऊपर से लहरें आ जाती है उसकी तो वो नजर नहीं आते, तो वही बात वो कह रहा है कि मुझे फौरन ख्याल किसका आ जाता है, खतरनाक पत्थरों का जो कि समुद्र के अंदर मौजूद होते हैं और नजर नहीं आते, ठीक है, जो कि कुछ नहीं मेरी मर्चेंट शिप को हल्का सा टच कर दे रही है, जिसकी वजह से वो कह रहा है वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, जिसकी वजह से जितने भी मसाले उसके ऊपर लगे हुए सामान गुड्स जो है वो स्ट्रीम में बिखर जा रहे हैं, इनड्रोप द रोलिंग वाटर विद माय सेल, और पूरा जो बहाव लहरों का तेज बहाव है वो उस होल में होने की वजह से या डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, स्टोन की वजह से, डेंजरस रॉक की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसमें से जो तेज बहाव वाला पानी है वो पूरा मेरे बोट मर्चेंट शिप के अंदर इंटर कर जाएगा और जितना भी सिल्क उस पर रखा हुआ है वो पूरा तबाह हो जाएगा, बोर्ड खराब हो जाएगा, एंड इन अ वर्ल्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस, और एक ही पल में जिसकी कीमत कहा जाए बहुत ज्यादा थी, कि अभी तक ये बहुत कीमती थी मर्चेंट शिप और उस पर जो गुड्स लदे हुए थे रखे हुए थे वो बहुत ही ज्यादा कीमती थे, इन अ वर्ल्ड वर्थ नथिंग, और एक ही पल में उसकी कीमत कुछ भी नहीं रह जाएगी जब इस तरीके से पानी उसके अंदर भर के मेरी शिप अंदर डूबने लगेगी।
Shall I have the thought to think of this and shall I lack the thought that such a thing beyond would make me sad? क्या मैं इस तरीके से सोचूं या मैं इस तरीके से सोचना बंद कर दूं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं? बट अगर मैं ये सोचूंगा कि ये सारी चीजें हो सकती है, बियांस हो सकती है, तो आउट ऑफ डाउट मैं भी कह सकता हूं कि मैं भी उदास हो जाऊंगा। तुम उदास हो, हम समझ रहे, मैं भी तुम्हारी जगह पे होकर ये बात सोच सकता हूँ एंड डोंट नो कि अगर ये सारी चीजें मैं भी सोचने लगूं तो मैं भी उदास रहने लगूंगा। बट टेल मी नॉट आई नो एंड मुझे मत बताओ एंटोनियो, मैं जानता हूँ सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्केंटाइज, तो अपने मर्चेंट शिप को सोच सोच कर उनके बारे में ख्याल कर करके परेशान हूँ। एंटोनियो इस पे अब एंटोनियो उन लोगों को समझाता है दैट आई एम नॉट सैड बिकॉज ऑफ माय मर्चेंट शिप, मेरे मर्चेंट शिप की वजह से मुझे कोई भी उदासी नहीं है। एंटोनियो बिलीव मी नो आई थैंक माय फॉर्च्यून फॉर इट, मेरा यकीन कीजिए मैं अपनी किस्मत का शुक्रगुजार हूँ। माय वेंचर आर नॉट इन वन क्वार्टर प्रेसिडेंट, मेरा जो कारोबार है वो एक प्लेस पर नहीं है। Not to one place nor in my whole state, ना ही मेरे पूरी डॉलर डिपेंड है अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द प्रेजेंट ईयर, कि इस साल मुझे प्रॉफिट पे मेरी पूरी डॉलर डिपेंड है, मेरी पूरी वेल्थ डिपेंड है, फाइनेंशियल पोजिशन डिपेंड है। ऐसा नहीं कि इस साल मुझे प्रॉफिट होगा कि मैं बहुत ज्यादा कामयाब हो जाऊंगा और इस साल अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस में लॉस हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। Therefore my merchandise makes me not sad, इस वजह से मुझे मेरी मर्चेंटशिप से, मेरे कारोबार से कोई भी उदासी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। इस पे स्लैंगो रिप्लाई करता है व्हाई देन यू आर इन लक, अच्छा अगर ऐसी बात है कि मर्चेंटशिप की वजह से और बिजनेस की वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, हो सकता है फिर तुम प्यार में, क्योंकि इंसान दो ही तरीके से परेशान होता है, एक या तो लव या तो कारोबार बिजनेस को लेकर। तो इस पे एंटोनियो रिप्लाई करता है फाइव फाइव शेम शेम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप, शेम शेम। स्लैंगो नॉट इन लव नाइदर, देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट, अच्छा प्यार में का भी मसला नहीं है, तुम उदास हो प्यार की वजह से भी नहीं, तब हमको ये कहने दो कि तुम उदास हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट मैरिड, एंड इट वर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीव एंड से यू आर मैरिड बिकॉज यू आर नॉट सैड, और ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है हंसना खिलखिलाना गुनगुनाना और ये कहना कि तुम खुश हो क्योंकि एक्चुअल में तुम उदास हो ही नहीं। Now why two-headed genus, nature had framed strange fellows in her time. अगर हम लोग दो हेड वाले जेनस गॉड के एग्जाम्पल ले लें जिनके दो सर था, उनके दो सर था, जेनस की अगर बात करें जहां पर जेनस वर्ड आया, तो एक पर्सन थे गॉड थे जिनके दो हेड थे, एक हेड क्या था हर वक्त उसके ऊपर स्माइल रहता था उस फेस पर, और दूसरे वाले जो हेड था उसके फेस पर हर वक्त गुस्सा रहता था। तो वही यहाँ पे स्लैंगो कह रहा है कि अगर हम दो सर वाले जेनस का एग्जाम्पल ले लें तो नेचर ने अपने अपने टाइम में अलग अलग लोगों को जन्म दिया है। नेचर हैड ट्रेन स्ट्रेंथ फेलोज इन हर टाइम, सम दैट विल एवर मोर पीक थ्रू देयर आइज, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी एक आंख दबा कर हर वक्त चीखी चीखी करके हंसते रहते हैं, हर वक्त बेवजह हंसते रहते हैं, और कुछ एंड लास्ट लाइक पैरेट एट द बैक पाइपर, जैसे कि बैक पाइपर के ऊपर पैरेट हंसते हैं उस तरीके से, एंड अदर ऑफ सच वेनेगर एस्पेक्ट, और कुछ तो इतने खट्टे स्वभाव के होते हैं, इतने वेनेगर एस्पेक्ट के होते हैं दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, कि उनका दांत हंसने के तौर पे नजर ही नहीं आता, वो अपने टीथ को शो नहीं करते हैं स्माइल के तौर पे, तो नेस्टर फेयर द जेस बी लाफेबल, यहाँ तक नेस्टर जो है जो कि बहुत ही ज्यादा रिपीटेड पर्सन था ट्रोजन वॉर का हीरो था, यहाँ पे रोम में वॉर हुई थी ट्रोजन वॉर, तो उसका वो हीरो था, तो नेस्टर बहुत ही ज्यादा रिपीटेड पर्सन था, इतना ज्यादा रिपीटेड पर्सन था अमंग द रोमन्स कि वो जो भी बात कह देता था सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है। बट यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ तक नेस्टर तक कसम खा के ये बात कह रहे कि जो जेस्ट है, जेस्ट मीन्स होता है जोक, जो बी लाफेबल मतलब जोक जो उसने सामने वाले ने कहा है वो हंसने लायक है, पर लोग इतने खट्टे स्वभाव के होते हैं कि नेस्टर के कहने के बावजूद भी उनका दांत हंसने के तौर पर नजर नहीं आता। Slanio, here come Bisanio, the most noble kingsman, Bisanio, Terendo, fear you well, we will leave you now with better company. अब दूर से यहाँ पे Bisanio और उसके साथ साथ Lorenzo और Bisanio आते रहते हैं। Bisanio Antonio का सबसे अजीज दोस्त है, बहुत ही ज्यादा Antonio Bisanio को बहुत ज्यादा प्यार करता है और Bisanio कोई भी काम नहीं करता, Bisanio का काम बस ये है कि Antonio से पैसा उधार लेता है और उसी के उधार पैसे पर अपनी जिंदगी लग्जूरियस लाइफ बिताता है, बहुत कीमती सामानों को इस्तेमाल करके एक्स्ट्रावेगेंट स्केल में वो अपनी लाइफ को स्पेंड करता है।
तो सिनेरियो वही कहता है कि देखो तुम्हारा दोस्त बेसानियो आ रहा है सबसे तुम्हारा अजीज दोस्त जो मोस्ट नोबल किंग्समैन क्रिश्चियानो एलेंडो, साथ में उसके कौन है क्रिश्चियानो एलेंडो भी है। फेयर यूवल अलविदा आपको, वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी, हम आपको और अच्छे साथियों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। स्लैरिनो इस पे रिप्लाई करता है, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी, मैं यहाँ पे तब तक रुकूंगा जब तक मैं आपको मैरी नहीं कर देता, खुश नहीं कर देता। इफ फॉर डियर फ्रेंड हैड नॉट प्रिवेंटेड, अगर आपके काबिल दोस्तों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इस पे एंटोनियो रिप्लाई करता है, योर वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, आपकी अहमियत मेरी नजर में बहुत ज्यादा है, आई विल टेक इट, मैं आपको रोकूंगा, योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू, आपको कोई अपना काम याद आ जाएगा, एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और आपको यहाँ पर इस ओकेजन को, इस डिस्कशन को, कन्वर्सेशन को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ जाएगा। इंटर बिसानियो लोरेंजो एंड क्रिश्चियानो, अब दूर से जो बिसानियो क्रिश्चियानो और लोरेंजो आ रहे थे वो इस वक्त सीन में प्रेजेंट कर जाते हैं। स्लैरिनो, गुड मोरो माय गुड लॉर्ड्स, इस पे स्लैरिनो जब देखता है बिसानियो लोग आ गए तो उस पे गुड उनको विश करता है, गुड मोरो माय गुड लॉर्ड्स, गुड मॉर्निंग माय गुड लॉर्ड्स बिसानियो, गुड सीनियर बो, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, वेन शैल वी लाइफ, अब बिसानियो जब उनसे मिलता है तो पूछ लेता है कि हम लोग साथ में एक अच्छा पल कब बिताए थे, सेवन मुझे बताओ कब, यू गो एक्सीडिंगली स्ट्रेंज, मत रिपीट, तुम तो बहुत ज्यादा अजनबी बनते जा रहे हो। जिसपे स्लैरिनो कहता है वी विल मेक आवर लेजर टू अटेंड ऑन यू, हम लोग कभी और सही वक्त निकालेंगे इस बारे में बात करने के लिए, और ये कहकर स्लैरिनो और स्लैरिनो सीन से एग्जिट कर जाते हैं। तो अब जब ये लोग सीन से एग्जिट करते हैं तो लोरेंजो कहते हैं यहां पर बिसानियो से, माय लॉर्ड बिसानियो सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, माय लॉर्ड बिसानियो अब जैसे कि आपने एंटोनियो को ढूंढ लिया है, वी टू विल लीव यू, हम दोनों कौन, लोरेंजो और क्रिश्चियानो, हम दोनों भी आपको अब छोड़ के यहां से जाना चाहेंगे, बट एट डिनर टाइम, पर प्लीज डिनर टाइम पर याद रखिएगा, आई प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, Have in mind where we must be, कि हमको कहां पर मिलना है, इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। इस पे बिसानियो कहता है आई विल नॉट फेल यू, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। क्रिश्चियानो अब जब देखता है बिसानियो का, एंटोनियो का चेहरा कि वो उदास से बहुत ज्यादा परेशान है, तो इस पे वो पूछ लेता है यू लुक नॉट वेल सीनियर एंटोनियो, सीनियर एंटोनियो आप कुछ बेहतर नहीं नजर आ रहे, यू आर नॉट लुकिंग फाइन, आप बेहतर नहीं नजर आ रहे, You have too much respect upon the world. आप दुनियावी बातों में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। They lose it that do buy it with much care. वो लोग अक्सर अपने ओपिनियन में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो कि दुनियावी बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। Believe me, you are marvelously changed. मेरा यकीन कीजिए आप बहुत ज्यादा बदल गए। तो एंटोनियो इस पर रिप्लाई करता है होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड क्रिश्चियानो, मैं दुनिया को दुनिया के तरीके से लेता हूँ क्रिश्चियानो, आई स्टे, और दुनिया मेरी नजर में क्या है, एक मंच है, एक स्टेज है, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, जहां पे हर एक इंसान को अपना रोल, अपना पार्ट प्ले करना है, एंड माइन असाइन, और मुझे जो रोल असाइन किया गया है इस दुनिया में वो एक उदास आदमी का है, तो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। तो इस पर क्रिश्चियानो रिप्लाई करता है लेट मी प्ले द फूल, अगर दुनिया एक स्टेज है तो मुझे जोकर का रोल प्ले करने दीजिए, फूल का रोल प्ले करने दीजिए, विद मिर्थ एंड लाफ्टर लेट ओल्ड रिंकल्स कम, और हंसी लेकर चेहरे पे हर वक्त स्माइल लेकर मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाने दीजिए, एंड लेट माई लीवर रेदर हीट विद माइन दैन माई हार्ट कूल विद मॉडिफाइंग रोल, और मैं अपने लीवर को गर्म रखना चाहूंगा वाइन से, मतलब वाइन का मतलब यहाँ पे हो गया जश्न मना मनाकर, दोस्तों के साथ जश्न मना मनाकर वाइन पी पी के मैं अपने लीवर को गर्म रखना चाहूंगा, ना कि मैं अपने दिल को ठंडा कर लूं गम में, अफसोस में, मॉडिफाइंग रॉन्ग्स में। व्हाई शुड अ मैन हूज ब्लड इज वार्म विद इट, क्यों एक इंसान जिसकी रगों में गर्म खून बह रहा है, मींस ही इज अ यंग पर्सन, सिट लाइक इज ग्रैंड स्टाइल कट इन एल्डर, क्यों वो अपने ग्रैंड फादर की तरह, फोर फादर्स की तरह, जिनकी जो स्टेच्यू है वो एल्बेस्टर से कटी हुई है, पत्थर से कट के बनी हुई है, मीन्स वो मर चुके हैं,
sleeps when he wakes. सोता है जब उसको जागना होता है and creeps into jaundice by being peevish. और jaundice बीमारी में पड़ जाता है by being peevish, गुस्सा कर करके, anger कर करके. मतलब यहाँ पे एंटोनियो कह रहा है, यहाँ पे क्रिश्चियानो कह रहा है एंटोनियो से कि जो इंसान जवान है उसको क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, अफसोस में नहीं पड़ना चाहिए. क्यों एक इंसान जिसकी रगों में गर्म खून बह रहा है वो क्यों मूर्ते इंसान की तरह बिहेव करता है, अपने फोर फादर्स की तरह बिहेव करता है जिसका स्टेच्यू एल्बेस्टर से कटा हुआ है, पत्थरों से कट के बना हुआ है, ठीक है. और सोता है जब उसको जागना होता है और गुस्सा कर करके परेशानी में पड़ जाता है, बीमारी में पड़ जाता है, जॉन्डिस में पड़ जाता है. आई टेल दी व्हाट एंटोनियो आई लव यू, मैं तुम्हें बताऊं एंटोनियो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूं. एंड इट इज माय लव दैट स्पीक, और ये मेरा प्यार ही है तुम्हारे लिए जिसकी वजह से मैं तुम्हें इतना ज्यादा समझा रहा हूं. There are spots of men whose visages do cream and mantle like a standing pot. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे ऊपर से क्रीम और मैंटल है, मतलब एक नकाब चेहरे पे डाले हुए हैं, ऊपर से अपने चेहरे को रंगे होते हैं, एक स्टैंडिंग पॉन्ड की तरह अपने चेहरे पे स्टिलनेस रखे हुए हैं, जैसे पानी का पॉन्ड का पानी ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, ऐसे ही अपने चेहरे पे एक विलफुल स्टिलनेस इंटरटेन करते हैं, मतलब अपनी इच्छा से इस तरीके की स्टिलनेस अपने चेहरे पे ठहराव लाए रहते हैं. विद द पर्पस टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन, ताकि लोग उनको उनके लिए राय रख सकें कि अरे ये लोग बहुत ही ज्यादा विजडम में है, ग्रेविटी प्रोफाउंड कंप्लीट है, मतलब बहुत ज्यादा काबिल है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है, बहुत ज्यादा इज्जतदार, मैनरफुल और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है. एंड हु शुड से, और जो लोग अपने बारे में कहते हैं कि आई एम सर ओरिकल, और अपने आप को सर ओरिकल जो कि बहुत लर्नेड पर्सन थे रोम के, उनसे कंपेयर करते हैं कि हम सर ओरिकल की तरह लर्नेड पर्सन है. एंड व्हेन आई ओपन माय लिप्स लेट नॉट डॉग बार्क, और जब मैं अपना मुंह खोलूं तो मुझे डॉग तक भौंक के डिस्टर्ब, बार्क करके भौंक कर डिस्टर्ब ना करे. इंसान के बोलना तो दूर की बात है, यहाँ तक डॉग भी मुझे डिस्टर्ब ना करे बात करके जब मैं अपना ओपिनियन दो दूं. ओ माय एंटोनियो आई डू नो ऑफ दिस, मेरे एंटोनियो मेरे दोस्त एंटोनियो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ दैट देयर फॉर ओनली आर रेप्यूटेड वाइज, जो कि सिर्फ कहने को बहुत ही ज्यादा इज्जतदार और काबिल है, फॉर सेइंग नथिंग, पर कहने को कुछ भी नहीं. ऐसे कहा जाए तो अपने आप को बहुत बताएंगे कि हम बहुत ज्यादा रेप्यूटेड वाइज समझदार है, बट है एक्चुअल में कुछ भी नहीं. व्हेन आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इस बारे में मैं बहुत श्योर हूँ, इफ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज इयर्स, अगर ऐसे लोग बोलेंगे जो अपने आप को काबिल बताते हैं, वुड ऑलमोस्ट डैम दोज इयर्स, वो हमेशा नॉनसेंस ही बोलेंगे एंड कॉलिंग देयर ब्रदर्स फूल, और जो उनके भाई लोग हैं जो उनको सुनेंगे, जो फेलो पीपल्स हैं जो उनको सुनेंगे, वो भी उनको क्या कहेंगे, नॉनसेंस ही कहेंगे कि ये डैम बोल रहा है, नॉनसेंस बोल रहा है. आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम बट फिश नॉट विद दिस मेलकनी बेट, कहता है मैं इस सब बारे में तुम्हें कभी और बताऊंगा, पर इस वक्त मैं ऐसी मछली को पकड़ने के लिए कांटा नहीं फेंकना चाहता जो कि वर्थलेस है. बट फिश नॉट विद दिस मेलकनी बेट, बेट मतलब मछली को पकड़ने के लिए जो कांटा फेंका जाता है ललचाने की मछली को, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं बट इस वक्त ऐसी मछली को पकड़ने के लिए कांटा फेंकना नहीं चाहता जो कि क्या है, वर्थलेस, मतलब मैं इस वक्त ऐसे लोगों के बारे में बात करके अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता जो कि बेमतलब के हैं, बेकार के. फॉर दिस फूल गर्जी एंड दिस ओपिनियन, कम गुड लोरेंजो फेयर यू वेल, चलो गुड लोरेंजो चलते हैं, अलविदा आप लोगों कुछ वक्त के लिए. आई विल एंड माई एक्सॉर्टेशन आफ्टर डिनर, एक्सॉर्टेशन मीन्स कन्वर्सेशन, मैं अपनी कन्वर्सेशन को डिनर के बाद क्या करूंगा, खत्म करूंगा. लोरेंजो इस पे रिप्लाई करता है वेल वी विल लीव यू टिल डिनर टाइम, ओके हम लोग आपको डिनर टाइम तक लीव करते हैं. आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन, और मैं भी हो सकता हूँ कि मेरे बारे में भी लोगों का ओपिनियन यही हो कि मैं एक सेम डम वाइज डल वाइज पर्सन हूँ जिसके, क्योंकि क्रिश्चियनो मुझे कभी बोलने का मौका नहीं देता, मेरे बारे में भी लोगों को फिर यही ओपिनियन होगा क्योंकि आपने देखा क्रिश्चियनो आए बोले और लड़ंदों को लेके जा रहे, तो लड़ंदों का यहाँ पे कहना है कि हो सकता है मैं भी उनमें से ही उन फूल पीपल्स में से एक हूँ जो कि चुपचाप रहते हैं और खामोश रहकर अपने आप को काबिल बताते हैं, क्योंकि मुझे क्रिश्चियनो कभी भी बोलने का मौका ही नहीं देता है. तो क्रिश्चियनो यहाँ पे कहता है वेल कीप मी कंपनी बट टू ईयर मोर, तुम मेरे साथ बस दो साल और रह लो, मैं तुम्हें इतना कम बोलने का मौका दूंगा दैट
thou shall not know the sound of thy own tongue, कि तुम अपनी ज़बान की आवाज़ पहचानना भूल जाओगे कि तुम किस तरीके से बोलते थे। एंटोनियस पे कहता है farewell, I will go a trogger from this year. अब अलविदा आप लोगों को, हम इस कन्वर्जेशन के बाद से थोड़ा सा बात टॉकेटिव होने की कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ा बात होनी बनेंगे। ग्रेशानो कहता है थैंक्स आई फेट फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन अ नीट टंग ड्राई एंड अ मेड नॉट पेंडेबल। कहता है हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो, शुक्रिया आपका, क्योंकि मेरा मानना है खामोशी सिर्फ दो ही लोगों के लिए सही है, एक ऐसी गाय जिसके मुंह में चारा नहीं है जबान उसकी सूखी है, एक ऐसी कैटल जिसकी जबान सूखी हुई है मुंह में उसके चारा नहीं है, और दूसरी ऐसी मेड ऐसी कुंवारी लड़की जो कि शादी के लिए सूटेबल नहीं है, कि उसकी मैट्रिमोनियल मार्केट में उसकी कोई भी कह लीजिए शादी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी मेड ऐसी कुंवारी लड़की वो खामोशी से अपनी जिंदगी बिताए जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, जिससे कोई शादी नहीं कर रहा है, और एक ऐसी कैटल जिसकी जबान सूखी है उसके मुंह में खाने को चारा नहीं है। इस पे कहकर ये लोग हंसते हुए यहां से क्रिश्चियन और लड़के चले जाते हैं, और फिर एंटोनियो इस पे रिप्लाई करता है अपना।